वाला सीन भी लेना जरूरी है व्लॉग में, क्योंकि इतने नाइट में हम चार लोग ही यहाँ बैठे हैं व्लॉग एडिट करने का, बस ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं मैं व्लॉग एडिट कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है दुर्गा पूजा और आज हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। बंगाली कैंप में बहुत अच्छा मेला शुरू है वहाँ पे दुर्गा पूजा का, तो हम अभी जाएंगे। हम दो गाड़ी से जा रहे हैं, दोनों भी गाड़ी मेरी है क्योंकि यश भाई की गाड़ी जमा नहीं। तो अभी हम जाएंगे बंगाली कैंप में और कृष्णनगर भी एक्सप्लोर करेंगे, दुर्गा पूजा मस्त देखेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, तो बने रहिए व्लॉग में। बस अभी कुछ ही देर में ही हम पहुंचने वाले बंगाली कैंप, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है। गाइज मैं थोड़ा जहाँ पर दुर्गा पूजा शुरू था देखिए वहाँ पे, तो वहाँ से मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ क्योंकि वहाँ पर इतना शोर आ रहा था, कुछ मैं जो बोलने वाला हूँ वो आवाज़ ही नहीं आएगा आप लोगों को वहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा दूर आके ये व्लॉग बना रहा हूँ। मेले में पहुँचते ही दोस्तों इतना मतलब कुछ बोलने के लिए टाइम नहीं मिला, इतना अच्छा वहाँ पर प्रोग्राम शुरू था, बैंड वगैरह शुरू थे और हमारे विजय भाऊ बडेटीवार भी वहाँ पर आके थे। फिलहाल क्रिश है मेरे साथ में, तो अभी हम और थोड़ी देर यहाँ पर मेला देखेंगे, थोड़ा और यहाँ पर कुछ मस्ती वगैरह करेंगे। मेरे दोस्त लोग सभी यहाँ पर है, यश और अंकुर थोड़े बाहर गए हैं, वो लोग अभी आने के बाद यहाँ पे और थोड़ी देर कुछ मौज मस्ती करेंगे मेले में, उसके बाद हम जाएंगे फिर कृष्णनगर में। कृष्णनगर में भी काफ़ी अच्छा दुर्गा पूजा हो रहा है, श्याम नगर में भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करने जाएंगे, तो बने रहिए व्लॉग में। किधर गए थे? तो गाइस अभी यहाँ पर बंगाली कैंप में ऑर्केस्ट्रा शुरू हो चुका है, तो अभी हम डायरेक्ट आपको ऑर्केस्ट्रा दिखाने लेके चलेंगे, ज़बरदस्त ऑर्केस्ट्रा चल रहा है अभी, चलो देखते हैं डायरेक्ट ऑर्केस्ट्रा जाके, चलो। ये देखिए दुर्गा माँ और पब्लिक देखिए, कितने सारे पब्लिक है यहाँ पे, और एकदम वहाँ पे पीछे देखिए ऑर्केस्ट्रा शुरू है, ये यश और एकदम यहाँ पर दुर्गा माँ देखिए, सभी यहाँ पर फोटोशूट कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, यहाँ पर डेकोरेशन करके बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन करके। ये बंगाली कैंप के सबसे बड़े दुर्गा माँ है दोस्तों, और सबसे बड़ा प्रोग्राम यहीं पर होता है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं बंगाली कैंप से, बंगाली कैंप में बहुत अभी बहुत सारे प्रोग्राम बाकी है,
पूरे प्रोग्राम तो हम नहीं देख पाएंगे, अभी कृष्णनगर जाके देखते हैं वहाँ का प्रोग्राम कैसा शुरू है। तो चलो जल्दी जल्दी अभी निकलते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, यश भाई हमारी गाड़ी चलाएगा और दूसरी गाड़ी पे अंकुर रहेगा। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं और पहुँचते हैं अभी कृष्णनगर में और देखते हैं वहाँ का कैसा चालू है माहौल। बाय बाय बंगाली कैंप, अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट कृष्णनगर। तो गाइज अभी फाइनली पहुंच गए हम अभी कृष्णनगर। ये देखिए भीड़ भीड़ देखिए भीड़, कल कुछ भी भीड़ नहीं था लेकिन आज भीड़ देखिए। आज अपने को बाहरी गाड़ी लगाना पड़ेगा क्या? हाँ इधर ही लगाना पड़ेगा, बाहरी गाड़ी लगाएंगे। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक रहेगा, तेरी गाड़ी लगा दे यहाँ पे। हाँ यहाँ लगा दे गाड़ी, आगे देख। हाँ अपनी गाड़ी देख थोड़ा जगह। देखिए कल हम अंदर तक गए थे दोस्तों और आज हमको बाहरी गाड़ी लगाना पड़ेगा एकदम हाईवे रोड के साइड में। कल तो पूरा अंदर तक ग्राउंड के पास तक जाके आए थे, पूरा खाली था, लेकिन आज बाहरी गाड़ी लगा के अंदर जाके आपको दिखाते हैं कैसा है वहाँ का सीन। देखिए डेकोरेशन कृष्णनगर का बहुत खूब, लेकिन इतना भीड़ है दोस्तों, देखिए एकदम गेट के सामने बहुत खतरनाक ट्रैफिक जाम है। अभी कृष्णनगर हम एंटर कर रहे हैं, इधर भी बहुत भयानक माहौल चालू है कृष्णनगर में, नहीं क्या? तो अभी जाते हैं कृष्णनगर के ग्राउंड में और दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरीके का माहौल शुरू है। देखिए ये हमारे कुछ दोस्त लोग मिले थे कॉलेज के, इनसे मिले, ये अभी सामने सामने घूम रहे हैं और ये हमारे पीछे के दोस्त लोग। तो मैं आप लोगों को अभी कृष्णनगर के दुर्गा माँ को एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए कृष्णनगर के दुर्गा माँ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पब्लिक देखिए यहाँ के पब्लिक, तो अभी मैं आप लोगों को कृष्णनगर का दुर्गा माँ दिखाया हूँ। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ का मेला कैसा लगा है और इधर आर्केस्ट्रा भी शुरू है दोस्तों। तो अभी डायरेक्ट अभी मेला और आर्केस्ट्रा पूरा एक्सप्लोर करवाते हैं आप लोगों को। मेरे लिए तो रुकना था यश भाई, आइसक्रीम ले लिए, अंकुर चालू हो गया आइसक्रीम खाना, मेरा तो अब तक फोड़े भी नहीं, फोड़ना जल्दी। अभी थोड़ा आइसक्रीम खा लेंगे फिर घूमेंगे। भाई क्या हो रहा है क्रिश? हाँ। तेरे को क्या होना यहाँ पे, यहाँ से आ, इसके लिए चॉइस कर। ये वाला मत नहीं, ये वाला नहीं, नहीं अंदर से बता क्या चीज होना तेरे को। ये बस चलाना है, बस चलाना है क्या? बस पूछने कितने का है, पूछ तो कितने का है? 120 रुपए चाहिए मेरे पापा, अच्छी वाली नई वाली खरीद के देने वाले। रख दे 120 बहुत महंगा हो जाता है। बस देखा भाई, इसको बस होना बोलते 120 रुपए का। मेरे को बस चलाना है, इसको बस चलाना है। सूर्यवंशम फिर से देख रहा है। Yeah.
जो जो गरबा खेलना चाहते हैं एक रिंग बना लीजिए। खेलना है कि नहीं खेलना है पहले दोनों हाथ हाथ ऊपर कर दीजिए। कौन कौन खेलने वाले हैं? जो जो खेलने वाले हैं वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो जो खेलने वाले हैं अपनी अपनी जगह पर, यहाँ पर बीच में आ जाएं। तो अभी हम गुपचुप खाने का मजा लेंगे यहाँ पे। रुक 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 रुक, मैं खाऊंगा, मैं गाइस अभी हम पान खाने आ चुके हैं। ये रहे पान, हमारा पान बन रहा है। सभी हमने 5 पान ऑर्डर किए। देखिए 1 2 3 4 5 पान अभी अंकल जी बनाएंगे और अभी 5 पान हम सभी मिलकर खाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर है प्रोग्राम भी शुरू है। अभी रात के करीब 11 बज रहे हैं लेकिन फिर भी प्रोग्राम शुरू है। तो अभी ठीक है, जल्दी से हम पान खा लेते हैं। अभी फाइनली हमारा घूमना हो चुका है। बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड किए। यहाँ पर बहुत झगड़े भी हो चुके थे एकदम मेन गेट के सामने, लेकिन ओस गिरा है बहुत भयानक। इतनी ठंडी है कृष्णनगर में दोस्तों, क्या ही बोलूं। तो बहुत टाइम से हम अभी कृष्णनगर में प्रोग्राम पे एंजॉयमेंट कर रहे थे। अंगूर मस्ती मत कर भाई, बर्फ जम गया भाई। अभी तो ठंडी का स्टार्टिंग हुई है लेकिन गर्मी भी जम के होती, ठंडी भी जम के होती और कृष्णनगर में तो बहुत ठंडी है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, घर की तरफ जाएंगे। आज पूरी रात दोस्तों हमको बहुत काम है, अभी डायरेक्ट घर की तरफ जाके आपको मिलता हूँ। बहुत ज्यादा ठंडी है दोस्तों यहाँ पे सही में। मैं तो अभी रिकॉर्डिंग करते करते मेरा वीडियो ही बंद हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला वीडियो क्यों बंद हुआ। ठंडी से कांप रहे, ये देखो ये कैसा चला रहा। ठंडी के मारे स्लो जा रहा वो। सामने में अंकुर की गाड़ी है। यहाँ सबसे ज्यादा चंद्रपुर का ये एकदम डाउनर है दोस्तों यहाँ पे, और इधर इतनी ज्यादा ठंडी लगती है सही में। ऐसे तो रोंगटे खड़े हो गए हाथ के, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है यहाँ पे सही में। वो बाप रे। ये कैसा चला रहा है ठंडी के बारे। बहुत ठंडी है यहाँ पे बहुत। अभी तो ठंडी की स्टार्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ठंडी लग रहा है क्या बोलूं। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर के पास। घर तो नहीं जाऊंगा अभी, घर अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा क्योंकि इस वाले व्लॉग को एडिट करना बाकी है। आज हमारा प्लानिंग थोड़ा सा अलग है। आज मैं और मेरे दोस्त लोग हम चारों बाहर रहने वाले हैं कल के व्लॉग के शूट के लिए, और नहीं सॉरी परसों के व्लॉग के शूट के लिए। परसों के व्लॉग में हम पूरा महाकाली मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। महाकाली मंदिर में हम रात के अभी करीब 1:30-2 बजे एक्सप्लोर करने जाएंगे महाकाली मंदिर। उस वाले व्लॉग को हम बढ़िया से शूट करेंगे। अभी ये वाला व्लॉग को एडिट करके अपलोड करके फिर हम थोड़ी देर मतलब आराम करके अभी महाकाली मंदिर जाएंगे। आज का पूरा नाइट हम बाहर ही रहेंगे और मस्त व्लॉग शूट करेंगे और बढ़िया मजे करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, महाकाली मंदिर वाले व्लॉग में। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। इतने रात में दोस्तों बहुत ठंडी लग रही थी। क्रिश भाई ने बहुत अच्छा एक काम किया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या किया उसने। ये देखिए उसने आग लगा दिया यहाँ पे। आग लगाने का काम बहुत अच्छा करता है भाई तू सही में। लेकिन एक बात अच्छा है कि हम यहाँ पर बैठे थे और मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, तो सोचा ये व्लॉग ये वाला सीन भी लेना ज़रूरी है व्लॉग में, क्योंकि इतने नाइट में हम चार लोग ही यहाँ बैठे हैं और व्लॉग एडिट करने का बस ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं। मैं व्लॉग एडिट करूँगा और तुरंत में अपलोड करने के बाद हम फिर निकल जाएंगे महाकाली मंदिर में दर्शन करने के लिए। आग लगा के बहुत अच्छा काम किया। मच्छर भी यहाँ थे दोस्तों, बहुत मच्छर काट रहे थे यहाँ भी बैठ के था। एक तो ठंडी भी लग रही थी, मच्छर भी काट रहे थे। अभी मच्छर भी भग गए, ठंडी भी नहीं लग रही। तुरंत मैं अभी व्लॉग एडिट करता हूँ। तो ठीक है, बाय बाय।